This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 28 जून 2022 और मैं निशा और मेरी साथी कीर्ति लेकर आए हैं आज कागज नगर की ताजा तरीन खबरें। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, रावी श्रीनिवास की कांग्रेस में वापसी, सभी घरों दुकानों और दफ्तरों में सीसीटीवी लगाएं एसपी, आज इंटर का रिजल्ट, मिट्टी के कटाव से बढ़ गए गड्ढे, कुत्ते के हमले में मारा गया हिरण का शिशु। टीपीसीसी के आह्वान पर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन कार्यक्रम किया। आसिफाबाद कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कोकी राला विश्व प्रसाद ने आज कोमुरुम भीम आसिफाबाद के जिला मुख्यालय में एक विरोध रैली निकाली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 8 वर्षों से योजनाएं बताकर लोगों के साथ धोखा कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लोगों और किसानों को गुमराह कर रही है और उन्होंने अग्निपथ योजना को सेना विरोधी योजना बताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेना के साथ भी अपने राजनीतिक फायदा के लिए उनके साथ धोखा कर रही है। सिरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाने के लिए पार्टी द्वारा बुलाए गए हर कार्यक्रम में भाग लेकर वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करने की बात कही। सिरपुर के सीनियर नेता रहे रावी श्रीनिवास फिर से कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए हैदराबाद के कांग्रेस ऑफिस में गए, जहां पर टीपीसीसी यानी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। रावी श्रीनिवास के साथ सिरपुर तालुका के और भी कई नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। आपको बता दें कि रावी श्रीनिवास हमारे स्थानीय एमएलए कोनेरू कोनप्पा के सगे भांजे हैं। इससे पहले भी वे अपनी राजनीतिक पारी शुरू किए थे। सन 2014 में वे तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से एमएलए पोस्ट के लिए चुनाव में खड़े हुए थे। उस समय उन्हें 20,000 वोट प्राप्त हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय श्रीनिवास को टिकट न देते हुए 2019 में पालवाई हरीश को टिकट दे दिए, जिसके कारण से बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से चुनाव लड़े। कुछ 2000 के करीब उनको वोट मिले थे, लेकिन अब जब डॉक्टर पालवाई हरीश भाजपा में आ चुके हैं तो श्रीनिवास ने वापस से कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया है। कोमरम भीम जिले के एसपी श्री सुरेश कुमार जी ने एक प्रेस वार्ता के जरिए सभी से नर्म निवेदन किया है कि जिले में जितने भी व्यापारी लोग हैं, दुकानदार हैं और जो भी आर्थिक रूप से सशक्त है और जो स्कूल और कॉलेजेस के ओनर है, उन्हें अपने घरों में, स्कूलों में, दुकानों में और अपने बिल्डिंग्स में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाए, ताकि आपका रहवासी एरिया चोरों से और चोरी के प्रभाव से और भी कई दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे। हमारे दर्शकों को बता दें कि पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें जिले के हर क्षेत्र में और हर कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। दर्शकों से अनुरोध है कि जिले के हर क्षेत्र की सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए अपना सहयोग दें। इंटरमीडिएट बोर्ड की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है कि कल यानी 28 जून 2022 को सुबह 11 बजे से इंटर के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे। इंटरमीडिएट बोर्ड के सचिव सैयद उमर जलील द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। जिन 3 वेबसाइट्स पर रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे वह हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। निवेदन है कि कृपया वेबसाइट्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। कागज नगर के फॉरेस्ट चेक पोस्ट के आसपास बारिश गिरने के कारण मिट्टी का कटाव हो गया है, जिसके चलते सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। लोगों का कहना है कि यदि कोई वाहन चालक उस रास्ते से गुजरता है और तेज हवा चलती है तो वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है। उनका तो ये भी कहना है कि आज तो ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तब क्या होगा जब आने वाले दिनों में भारी वर्षा के कारण ये गड्ढे भर जाएंगे और दिखाई भी नहीं देंगे, जिससे कि लोग दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं।
तो जनता की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द गड्ढों को दुरुस्त किया जाए ताकि लोग आने वाले दिनों में होने वाली दुर्घटना से बच सके। पेंचकल पेट मंडल के कोंडापल्ली गांव में एक हिरण के बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया। उस हमले में कुत्ते ने हिरण के बच्चे को बहुत ही बेरहमी से काटा, जिसके कारण उस बच्चे की जगह पर ही मृत्यु हो गई। उसकी लाश फॉरेस्ट ऑफिसर को बरामद हुई है। कहा जाता है कि हिरण संरक्षित जानवर है, उसको आसानी से नहीं मारा जा सकता है। यह जानकारी हमें पेंचकल पेट के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वेणुगोपाल जी ने दी है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अपने दोस्तों, परिजनों और खास तौर पर कागज नगर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। नए वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं नए खबरों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।